सब्जेक्ट्स जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं मुझे। फिल्म फेस्टिवल से ट्रैवल करके वापस आ रहा था एंड आते ही आई पिक्ड अप द न्यूज़पेपर एंड आई रेड धनंजय जी'स प्ली एट दैट टाइम विच ही हैड विद द गवर्नमेंट। दैट वॉज द ओनली पॉइंट आई सेड आई वॉन्ट टू मीट धनंजय जी। द मोमेंट आई मेट हर इन द वेरी फर्स्ट साइट, इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग, आई वॉज श्योर कि इस फिल्म पे काम करना ही करना है हमने। जितना पहले मैं काम कर चुके थे, 15 साल हो गए थे, सिर्फ वो लिमिटेड एरिया तक मेरा नाम रहा। फिल्म आने के बाद पूरी दुनिया में ही उसका प्रसार हुआ, प्रचार हुआ है, सोचने का नज़रिया बदला है, दुनिया को देखने का लोग रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करने लगे हैं। मेरा एक्चुअली मेन कंसर्न तो स्टोरी होती है, और फर्स्ट टाइम जब मुझे एक फीचर लेंथ स्टोरी सुनने को मिली तो एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आई वॉज एक्साइटेड। जब यू नो फिल्म बन गई थी पूरी एंड पोस्ट के बाद आई हमारे पास, तो आई ऑलवेज यू नो लीव इट टू द एडिटर कि वॉट एवर यू फील गोज राइट विद द फिल्म टाइमलाइन, तो यू हैव टू डू इट। तो आई जस्ट लीव इट टू देम एंड देन द क्रिएटिविटी स्टार्ट्स। यू नो जो बैकबोन सर बोलते थे कि हमने एक बैकबोन पकड़ा हुआ है इसका, एजुकेशन, ट्रांसजेंडर और एजुकेशन, ट्रांसजेंडर्स और उनकी लाइफ को लेकर के ना जो इमोशन है वो कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग है। उसमें से वो बिट्स निकालने थे जो फिल्म में हमें दिखाने हैं, पीयू को और उनका जो एक लड़ाई लड़ी है उन्होंने, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, लोगों की मेंटेलिटी बदली है उन्होंने, वो सब चीज़ों को लेकर के आना अप फ्रंट, बाकी सब चीज़ों को साइड करके, वो भी एक पेनफुल सर्जरी होती है फुटेज की, क्योंकि हम बड़े इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना कॉन्टेंट से, फुटेज से नहीं। एक ट्रांस की ज़िंदगी बहुत उलझन वाली है, ऊन की तरह गुच्छे में बंधी हुई है, उसको सुलझाना, उसको गोला बनाना, ये एक सुलझा हुआ डायरेक्टर ही कर सकता है। तो मुझे लगता है मेरी फिल्म के साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ जस्टिफाई हुआ है। फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है सो दैट ऑडियंस जो है 6-12 घंटे की ये फिल्म देखने के बजाय 1 घंटा 58 मिनट जो हमारी करंट लेंथ है उसमें लेकर के आए और लोग एक्चुअली पेशेंटली बैठ के देखें और सुने, इनफैक्ट उनके पेन को, उनके स्ट्रगल्स को, उनसे इंस्पायर हों। एक चैलेंज जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि फिल्म की टाइमलाइन को मेंटेन करना। यू नो वी स्टार्टेड फिल्मिंग अर्ली इन 2018 और उसके बाद फिल्म जो है 22nd of August 2018 को रेडी हो गई थी एंड रिलीज़ हुई थी 13th of June 2020 में। तो फर्स्ट फेस्टिवल अनाउंसमेंट से लेके जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी ऑडियंस की तरफ, उसके बीच में भी ऑलमोस्ट 1.5 साल का एक टाइम पीरियड था। फिल्म जब फेस्टिवल में गई पहले में, द स्टोरी वॉज डेटेड एंड अकाउंटेड टिल दैट पर्टिकुलर डेट, लेकिन उसके बाद जब स्टोरी मूव की आगे और धनंजय जी के अपने पर्सनल माइलस्टोन्स भी उनके साथ साथ मूव करते रहे, तो उसे मेंटेन करना हमारी पूरी टीम के लिए एक चैलेंज था, बट बहुत अच्छा काम हुआ। एक तो था कि मैम का नरेशन था, उसके ऊपर हमने वर्क करना था, उसके थ्रू हमने जो स्टोरी बनाई। फर्दर सर उस पर काम करना चाहते थे कि उसके अकॉर्डिंगली फिल्म को कैसे एनहेंस किया जाए, तो मेरा भी काम था कि किस हिसाब से पिन पॉइंट करना है, उनकी कौन सी बात पे क्या कंटेंट आएगा, वो मार्किंग करना और डायरेक्टर के साथ ये बाद में बात करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। वी वर ऑल सिटिंग इन दिस डार्क रूम और फिल्म का फर्स्ट कट चलाया गया था, फर्स्ट कट, एंड आई हैड प्रॉमिस धनंजय जी बिफोर द वर्ल्ड सीज एडमिटेड, आई थिंक you have the right to see admitted and tell me if you know we have been able to do justice to the film. After the film concluded, 5 minutes uske baad bilkul shanti thi, and then she turned around and she said, this is the best thing that has ever happened to my life, and then she wrote a note. Matlab wo note hai, I think the audience will get to see that. Shooting kar rahe to bikhri hui sab cheeze thi, जब मैंने वो पर्दे पे देखी तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल एक एक चीज़ को उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से आप सब लोगों ने पिरोया है। आई थिंक द होल क्रेडिट ऑफ दिस फिल्म गोज टू धनंजय जी'स इंस्पायरिंग जर्नी, हर लाइफ, आई थिंक द कन्विक्शन ऑफ आर टीम एंड देन द ऑडियंस। आने वाले जो नस्लें हैं, आने वाले जो जनरेशन है, इससे और मोटिवेट होंगी और आगे बढ़ेंगे। राइट फ्रॉम द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द फिल्म टिल वी रिलीज द फिल्म, people had constantly been asking, you know, pushing ki hame ye film dekhni, humne admitted dekhni. Since humne majority of content jo hai PU mein hi shoot kiya hai, main bolta hu 90% content jo hai humne PU mein hi shoot kiya hai,
पीयू की जनता हमें शूट करते हुए देख चुकी है और फाइनली फिल्म भी देख रही थी, तो मैं बड़ा ही एक्साइटेड था और बहुत नर्वस भी था। मेरे खुद के पेरेंट्स आए हुए थे। आफ्टर द फिल्म कंक्लूडेड 5 मिनट तक तालियां रुकी नहीं थी फिल्म की। आई थिंक वो तालियां फिल्म के लिए कम थी, बट आई थिंक धनंजय जी की जो जर्नी है सिंक्रोनस है, धनंजय जी की जर्नी बोल सकते हैं, फिल्म बोल सकते हैं। एडमिटेड विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल इन आवर हार्ट्स। मैं ओजस्वी शर्मा जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वह सर्वासर्वी हैं, सब कुछ वही हैं। उनकी जो सोच थी फिल्म को बनाने के लिए, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में जो उनके मेरे बहुत ही होनहार, बहुत ही प्यारे भास्कर जी, मेरे छोटे भाई, उन्होंने बहुत ही मेहनत की इस फिल्म को असिस्ट करने में। एडमिटेड स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट टॉवरिंग प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव बीन एबल टू वर्क ऑन इन दिस लाइफ टाइम, एंड आई रियली होप पीपल वॉच दिस फिल्म। मैं आप सबको, सारी टीम को और सारी दुनिया को धन्यवाद देती हूँ, मीडिया को भी, उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और यूट्यूब पर जिस तरह से लोग देख रहे हैं, सब लोगों को कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को, तो सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। गो एंड वॉच एडमिटेड, आई थिंक इट्स अ ट्रीट, इट्स समथिंग दैट इवन इफ यू फील यू नो यू हैव गिवन योर 2 आवर्स टू वॉचिंग अ फिल्म, यू वुड रिपेंट इट।